प्यार में अक्सर आपने प्रेमी को चांद तारे तोड़ कर लाने की बात करते तो सुना ही होगा, लेकिन मुंबई के एक बिजनेसमैन ने अपने प्यार की खातिर जेट एयरवेज के एक प्लेन को ही हाईजैक करने की धमकी दे डाली। फिर क्या था, कोर्ट ने प्यार का ऐसा भूत उतारा कि वो भी हैरान रह गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। गर्लफ्रेंड के चक्कर में मुंबई के बिजनेसमैन ने दे डाली प्लेन हाईजैकिंग की धमकी। जेट एयरवेज की फ्लाइट मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ान भरने ही वाली थी। उस वक्त प्लेन में 115 यात्री मौजूद थे। सब बेसब्री से दिल्ली पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, तभी एक क्रू मेंबर की नजर वॉशरूम के टिश्यू पेपर के ऊपर पड़े एक लेटर पर गई। इस लेटर में अंग्रेजी और उर्दू में प्लेन हाईजैकिंग की धमकी दी गई थी। धमकी भरे खत की बात जैसे ही सामने आई, प्लेन में हड़कंप मच गया। क्रू मेंबर्स परेशान थे। पायलट, एयर होस्टेस और यात्रियों तक धमकी भरे खत की बात पहुंच चुकी थी। सब परेशान थे कि कहीं इस धमकी के पीछे आतंकी तो नहीं है। तमाम अटकलें लगनी शुरू हो चुकी थी। इसके बाद आनन फानन में प्लेन को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी में उतारा गया। यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए वो पल बेहद ही भयानक था। खौफ भरे चेहरे साफ नजर आ रहे थे। हालांकि जब एयरपोर्ट पर सारे यात्री सकुशल उतार लिए गए, तब जाकर सबने राहत की सांस ली। इसके बाद शुरू हुई मामले की जांच। यहां तक कि मामला गंभीर था, इसलिए मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। सबकी नजरें इस केस पर टिकी हुई थी। जब जांच पूरी हुई तो पता चला कि ये धमकी भरा खत प्लेन के अंदर बैठे मुंबई के एक बिजनेसमैन बिरजू किशोर सल्ला ने दिया है। उन्होंने खत के जरिए ये धमकी दी। उन्होंने अपने ऑफिस में बैठकर गूगल की मदद से ही खत को उर्दू में भी ट्रांसलेट किया और उसका प्रिंट आउट भी अपने ऑफिस में ही निकाला। इसके बाद बिरजू को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में बिरजू ने बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड जेट एयरवेज के दिल्ली वाले ऑफिस में जॉब करती है और वो चाहते थे कि जेट एयरवेज का दिल्ली वाला ऑफिस बंद हो जाए ताकि उनकी गर्लफ्रेंड का मुंबई ट्रांसफर हो जाए। बस इसीलिए उन्होंने प्लेन हाईजैकिंग की धमकी का कारनामा कर डाला। ये मामला 2017 का है। मामले में सुनवाई के बाद साल 2019 में एनआईए कोर्ट ने बिरजू सल्ला को एंटी हाईजैकिंग कानून के तहत उम्र कैद की सजा के अलावा 5 करोड़ का जुर्माना भी लगा दिया। इसके साथ ही बिरजू सल्ला को पूरी जिंदगी के लिए किसी भी फ्लाइट में यात्रा ना करने के आदेश भी दे दिए गए। एनआईए कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बिरजू ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब गुजरात हाईकोर्ट ने बिरजू सल्ला को बरी कर दिया है और मुआवजे की 5 करोड़ की राशि भी बिरजू सल्ला को वापस लौटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।